जब मैं 29 का था तब एक ट्रक के नीचे कुछ ले जाने से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मेरा 2 साल का बेटा, मेरी वाइफ। मैं जब लौट के घर आया तो 9.5 साल बीत चुके थे। मैं अस्पताल का सबसे लंबा रहने वाला कोमा का मरीज रहा, जबकि मैं वहीं पढ़ाता भी था, उसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। कोई नहीं पूछने आएगा कि किसकी किडनी लगी, किसकी आंखें मिली, किसका हार्ट, किसका लंग, किसका लिवर। अगर हम सब एक हो जाए, तकलीफें गायब, बीमारियां गायब, हम सब एक ही तो, हमेशा से एक ही तो थे, मौजूद है। और मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि हमारा जो टोटल मकसद है वो ये है, क्यों सिर्फ मेरी माँ, क्यों सिर्फ उसकी माँ, क्यों बस तेरी माँ, हम सब की माँ। और हम सब की माँ में मुमकिन है कि आप कोई दूसरा नाम देंगे, कोई तीसरा नाम देगा, कोई चौथा नाम देगा, मगर ये फूल का गुलदस्ता जिस जमीन पर आके जमा हो जाएगा उसी को भारत माँ कहते हैं। मुझे लगता है मैंने कोशिश की इस गुलदस्ते को जमा करने की। और मैं आपको एक चीज जैसे बता रहा था कि सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं होता, दिखाना भी पड़ता है। तो पढ़ा तो आपने बहुत साल, मैं आज आपको रियल में दिखाता हूं कि इंसानियत किसे कहते हैं। मेरी गुजारिश है एक ऐसी शख्सियत से जिसका नाम मैं खुद नहीं लूंगा, पढ़ा लिखा शख्स है, दुनिया में नाम है, गूगल पहचानता है, मेडिकल साइंस इस करिश्मे को खुदा का करिश्मा मानती है। मैं चाहता हूं कि आप सबको उस करिश्मे को दिखाऊं ताकि आपको सिर्फ इंसानियत सुनाई ना दे, दिखाई भी दे, ताकि आपको यकीन हो कि इस जलती सुलगती दुनिया में, मैं सिर्फ भारत का नाम नहीं ले रहा, दुनिया में जहां लोग बोले उसने उसको मार दिया, उसने उसका घर जला दिया, उसने उसको उजाड़ दिया, वहां कम से कम आपको मेरी फिलोसफी में यकीन आए कि सिर्फ जलाने वाले ही दुनिया में नहीं रहते, जलती आग को बुझाने वाले भी दुनिया में ही रहते हैं, और वो भी किसी माँ की ही औलाद हैं। ऐसी माँ के औलादों को सलाम करते हुए डॉक्टर साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एंड आई विल रिक्वेस्ट दैट यू नो मेरे भाई मनोज तिवारी जी, मुझे पता है कि बिल्कुल वक्त नहीं था, बनारस थे, मैं भी बनारस था, मैंने बताया नहीं, लेकिन मुझे यकीन था कि जरूर मौजूद होंगे। मैं सामने इस कुर्सी पर गुजारिश है कि आप बैठे हैं। मनोज भाई आप इधर इधर बैठ जाए, अंकित आप इधर बैठ जाइए, आप उधर उधर बैठ जाएंगे प्लीज। तो मैं जो है लोग साहब आ रहे हैं, उनका हाथ हाथ पकड़ के उनको जाइए, इधर से जाइए जी, आइए शिपरा लोग साहब आप इधर आइए, मैं चूँकि आपके लिए हाथ है इधर आ जाइए। आप इन्हें गौर से देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए, शायद दिल्ली में ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ होगा, और मजलिस में तो बिल्कुल नामुमकिनात है, और धर्मसभा में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्मसभा में लोग अपने जज्बे दिखाते हैं, जज्बात दिखाते हैं। धर्मसभा में ये बताया जाता है कि ईश्वर कैसे खुश होता है, भाई ईश्वर को खुश करने का पहला रास्ता इंसान है, जो वो रास्ता भूल जाता है नर्क तक उसे ईश्वर नहीं मिलता। मेरी बात याद रखना और इसे एहसास करना। इनको देखिए, इनको देख के आप इनकी उम्र का अंदाजा शायद नहीं लगा पाएंगे, मगर मैं आपको बताता हूं ये दुनिया के दूसरे नंबर के आईसीयू सर्वाइवर हैं। 9 साल तक ये मरे हुए थे, 9 साल के बाद ये जिंदा हुए हैं। मैं आप लोगों को इसलिए दिखाना चाहता हूं ताकि मजहब को आप सिर्फ बोले नहीं जिए। मजहब पॉजिटिव एनर्जी का नाम है, नेगेटिव हवा का नाम नहीं है। मजहब जान देने का नाम है, खुदा के वास्ते जान लेने का नाम नहीं है। मैंने इस पूरे प्रोग्राम में जिस चीज को सबसे ज्यादा, आप लोगों को आखिर तक मेरी आवाज आ रही है, माइक दे देता हूं, आपको आवाज आ रही है मेरी, अभी तो आवाज आ रही है। ये जिस आदमी को देख रहे हैं, मैं कोई गांव से उठा के नहीं लाया, मैंने इनको आने का किराया नहीं दिया, ये सियासत के तमाशे के ना तो मदारी है ना खिलाड़ी है। इंसानियत की बस्ती का वो जीता जागता इंसान है जो मर चुका था 9 साल, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में खत्म हो गया। अजय भाई मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक ऐसी चीज आपके सामने पेश करूंगा। मैं वीके सिंह जी, मुझे पता है हम लोगों को वाकई सिपाहियों से और आर्म फोर्सेस से सीखना चाहिए। मुझे किसी ने, रिसर्चर ने बताया था कि आपके यहाँ अगर सिपाही के साथ साथ कोई भी मुस्लिम होता है तो हिंदू भी नारे तकबीर लगाता है।
आर्म फोर्सेस में अपने कान सीधे रखिएगा। आर्म फोर्सेस में, भारत के सेना में अगर जवान में हिंदू हो या जवान में मुसलमान हो और सरदार अगर मुस्लिम हो, वो नारे तकबीर लगाता है तो सारे जवान एक साथ अल्लाहु अकबर बोलते हैं। भाई, जबानों की दुनिया से निकले हुए अल्फाज जब आग बन जाएं, तो समझो कि तुम जिस भट्टी से आ रहे हो वो हीरे की खदान नहीं है। मगर जबानों के जुमले जब जिंदगी में दवा बन जाएं, तो समझो तुम भारत की औलाद हो, भारत का एहसास हो और भारत का। ठीक है, आपने कभी किसी प्रोग्राम में ऐसा नहीं देखा होगा, आपको कितने लोगों ने खून दिया है? 56 लोगों ने इन्हें खून दिया है। इन्हें नहीं पता कि वो खून देने वाले कौन थे। एक नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात आप सोच सकते हैं। आपकी आंखों में कौन सी बीमारी थी जिसे कैंसर कह सकते हैं? उसके बाद की जो पोजीशन होती है वो कैंसर होती है। ठीक है, अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इन्हें सुनिए दो मिनट और सोचिएगा कि शेर जिस इंसानियत को बोल के दिखा रहा है वो सच्ची इंसानियत है या झूठी इंसानियत है। फिर आपके मुखरे का दोस्तों, मेरा नाम जयदीप शर्मा है, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी सारी तालीम है यही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बगल में ही एक अस्पताल है, आप लोग जानते होंगे, वहाँ मैं पढ़ा हूँ। पर आज की बात शायद तालीम से ज़्यादा और एक बड़े बात पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आप सब लोगों का। जो तकलीफें मेरी हैं वो एक रोड एक्सीडेंट से हैं। जब मैं 29 साल का था, आज से 30 साल पहले, मैं 60 का होने वाला हूँ, जब मैं 29 का था तब एक ट्रक के नीचे कुचले जाने से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मेरा 2 साल का बेटा, मेरी वाइफ, मैं जब लौट के घर आया तो 9.5 साल बीत चुके थे। मैं अस्पताल का सबसे लंबा रहने वाला कोमा का मरीज रहा, जबकि मैं वहीं पढ़ाता भी था, उसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मैं वहां का असिस्टेंट प्रोफेसर था। वक्त बीता, व्हील चेयर पर मुझे घर भेज दिया गया 9.5 साल बाद। एक सर्टिफिकेट देखी कि 55% मैं विकलांग हूँ, मैं डिसेबल्ड हूँ और परमानेंटली ऐसा ही रहूँगा। शायद उस पर भी इतनी हैरानी वाली बात नहीं, क्योंकि साइंस हाथ पैर चेहरा ये सब बना देती है, जो मेरे सब नकली हैं। यहाँ मैं माफी चाहता हूँ, हाथ पैर चेहरा साइंस बना देती है और मेरे सब नकली हैं। इस शख्स का जो चेहरा आप देख रहे हैं ये इनका चेहरा नहीं है। इन्हें साइंस की तालीम के माहिर डॉक्टरों ने 9 साल की मेहनत के बाद इन्हें ये चेहरा दिया है। आप जो देख रहे हैं ये इंसान का कमाल है, मगर इंसान के लिए है। इंसान जब तक इंसान रहेगा बुलंद होता रहेगा, जानवर होके तो हर कोई पस्त हो जाता है। मौका आया जहां एक दिन मैं सुबह सो के उठा और मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और कैट स्कैन वगैरह जैसे काले सफेद फोटो बनाता हूँ मरीजों की, जो दिमागदारी में कर पाता हूँ। उस दिन मैं जब सुबह उठा तो मुझे अपना हाथ ही नहीं दिखाई दे रहा था, तो मुझे बताया गया, जो साहब ने अभी बताया कर्जे साहब ने, कि मेरे को बायलैटरल रेटिनल डिटैचमेंट हो गया था, जिसका कोई इलाज 21 साल की उम्र के बाद नहीं होता। पर मैं यहाँ आज आपके पास खड़ा हूँ और अभी मैं दोपहर तक अपने मरीजों को ही देख रहा था और वही काम कर रहा था जो साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि मेरी आंखें कैसे लौट के आई। वो साइंस से नहीं हुआ है, उसके बारे में एक दो लफ्ज मैं कहना चाहूँगा। वो हुआ उन दुआओं से जो मैंने मांगी भी नहीं और मुझे मिली। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। क्योंकि मैं एक ऐसे देश में था, मैं ऐसे इंसानियत के बीच में था जहाँ 56 लोगों ने मेरा मजहब नहीं पूछा, मुझे सिर्फ प्यार दिया। ऐसे टीचर्स के बीच में था, ऐसे रहनुमाओं के बीच में था जो मुझे गाइड करते रहे कि मुझे करना क्या है, अपने से फोकस हटा, वो करने जो आया है वो कर, तो इंसान है, फिर इंसानियत कर। और उस इंसानियत को करने के लिए जो सबसे पहला मेरा गाइड रहा वो मेरी माँ ही थी। क्या बात है, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर थी और हमेशा मैं उन्होंने यही करते देखा कि वो दूसरों के लिए कुछ कर रही थी, कुछ और सिखाएं, सीखना जरूरी ही नहीं रहा उसके बाद।
दूसरी माँ मेरी बनी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहाँ सारे टीचर्स ने मिलकर, आप जैसे सब गाइड्स ने मिलकर मुझे, और आप लोग गाइडेंस के लिए ही तो हैं। आज हम सब यही सीख रहे हैं कि और क्या सीखने के लिए पड़ा है। मैं वहां यही सीखता था क्या कर सकता हूँ, और तो मैं कहा इंसानियत कर बाकी देखा जाएगा, हम भी कोशिश करते हैं देखा जाएगा क्या होगा। इंसानियत कर बाकी देखा जाएगा, एक जुमला डॉक्टर साहब से खुदा हाफिजी के पहले इन्हीं का, जो कि बेहतरीन जुमला है, चूंकि ये जज्बात में है शायद वो बातें ना कर पाए, जो बात मैं चाहता हूं कि ये बोले ताकि आप सुने। इन्होंने मुझसे कहा, मौलाना कल्बुर रशीद, मारुति की टूटी हुई लाइट मर्सिडीज में नहीं लगती और मर्सिडीज का टूटा हुआ अंग मारुति में नहीं लगता, लेकिन ये ईश्वर का दिया हुआ बदन है, किसी की आंख किसी में लग जाती है, किसी का दिल किसी में लग जाता है, किसी की किडनी किसी में लग जाती है, और ये मशीन उस वक्त तक खराब नहीं होती जब तक ईमान खराब नहीं होता। आज की इस मजलिस का, हमारा और हमारे मेहमानों का एक ही मकसद है, लड़ने के लिए मैदान पड़ा है, घर तो प्यार करने के लिए होता है। हमें उन दुश्मनों का मुकाबला करना है जो सरहद के उस पार अपनी आंखें ताने हमारी तरफ देख रहे हैं। घर में तो हमें एक दूसरे को हाथ देना है। इन्हीं जुमलों के साथ मैं बड़ी माजरत और आपसे करना चाहूंगा, उस माँ की इज्जत में जिसने हमें अपना ये बदन दिया, उन टीचर्स में जिसने इसको दोबारा खड़ा किया, और आज आप लोगों ने जो मेरे को वक्त दिया, एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो शरीर है ये काम आता है, जीते जी ही नहीं, किसी ने खून दे दिया, और आप जानते हैं कई लोग डायलिसिस पे हैं, उनको किसी रिश्तेदार ने अपनी किडनी दे दी, सुना होगा टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच गई है। जाते वक्त हम सबके पास एक मौका रहेगा अपनी तंदुरुस्ती और सेहत पे काम करते रहें जब तक रहें, और जाते वक्त ही सारा बदन इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई नहीं पूछने आएगा कि किसकी किडनी लगी, किसकी आंखें मिली, किसका हार्ट, किसका लंग, किसका लिवर। अगर हम सब एक हो जाएं, तकलीफें गायब, बीमारियां गायब, क्या कहने हम सब एक ही तो हैं, एक ही तो थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप आए। मैं इस बात के बाद, मुझे लगता है कि शायद आपके खून की गर्मी कुछ अलग तरीके से होगी, अगर आपको शहर की टेंशन नहीं।